हेलो दोस्तों, मैं गौरव और आप देख रहे हैं सीवाई क्लासेस। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्कूल हैं और जो कॉलेजेस हैं वो कब खुलेंगी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बाकी अदर स्टेट्स में, और क्या है उनकी गाइडलाइंस। ये सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। कौन सी पहले स्कूल खुलेंगी, मतलब कौन से स्टैंडर्ड्स पहले खुलेंगे, कैसे जाना है और क्या प्रोसीजर है, सब वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। नीचे मैं लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, जिस पे आप जाके मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी। मैं उस पे हमेशा आपका रिप्लाई करूंगा। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि कब आपका स्कूल खुलेगा। तो आप सब जानते हैं कि कल 7 अगस्त को कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी गवर्नमेंट के थ्रू कब स्कूल खुलने वाले हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके लिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे जहाँ पे मैं ये सब आपको दिखाऊंगा। ये जो आर्टिकल्स आप देख पा रहे हैं ये india.com का आर्टिकल है, ठीक है। इसमें क्लियरली देखिए क्या बताया गया है कि जो स्कूल खुलने वाले हैं वो खुलेंगे सितंबर में। तो सितंबर में पहला स्टार्ट होगा प्रोसीजर आपका स्कूल खुलने का, जिसमें होगा क्या कि सबसे पहले राउंड वाइज कर दिया गया है कि 2-3 राउंड में खुलेंगे। सबसे पहले राउंड में 10 से लेकर 12 तक खुलेगी स्कूल। उसके बाद क्या है देखिए, सबसे पहले राउंड में देखो September 1, फ्रॉम September 1 ये पहला राउंड होगा, ठीक है। इसमें खुलेगा आपका जो स्कूल वो 10th और 12th का खुलेगा। उसके बाद स्टेजेस वाइज every 2 week, ठीक, या तो आप 15 days मान लीजिए या तो 2 week, every 2 week आपका फिर से दूसरे क्लास का खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। वैसे ही ये इसका जो डिसीजन है ये लेगा कौन, ये डिसीजन लेंगे, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएगी, उसके बाद ये डिसीजन लेना होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि उन्हें कैसे खोलना है और उनको क्या करना है उसके रिलेटेड। पहला जो इसमें राउंड होगा वो होगा September 1 to September 5, ठीक, September 1 या September 5 में होगा, जिसमें स्कूल खुलेंगी। और वो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बताया है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है या उसके अंडर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगी वैसा होगा। और जहां तक मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में गारंटीड खुलना है, महाराष्ट्र में थोड़े चांसेस हैं कि कोई एरिया में खुलेंगे और कोई में नहीं, जहां पे बहुत ज्यादा केसेस है उधर नहीं खुलेंगे, एज वेल एज मध्य प्रदेश में भी मोस्टली खुल जाएगा। सेकंड क्या है कि जब फर्स्ट 15 days की बात कर रहे हैं तो उस टाइम क्लास 10 एंड 12th, 11th एंड 12th का ही सिर्फ खुलेगा, और जिसमें भी आपको शिफ्ट वाइज दिया गया है। However, not all the students of these classes will be called. If there are 4 sections, 2 sections will come on every alternate days. मतलब 6 working day होता है, जिसमें अगर आपके 4 section है तो 2 section पहले आएंगे और फिर 2 section alternate day पे आएंगे। स्कूल का जो टाइमिंग रहेगा वो 3 घंटे का ही होगा। 8 से 11 AM पहली शिफ्ट होगी, 11 से 12 पे सैनिटाइजेशन होगा, और फिर 12 से 3 PM तक आपका दूसरा बैच रहेगा। अभी प्राइमरी सेक्शन को नहीं इंक्लूड किया गया है। इसके बाद 2 हफ्ते बाद 14 डेज के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो है दूसरे सेक्शन लाइक 8, 9 खुल जाएंगे, फिर 6, 7 खुलेंगे, ऐसे स्टेजेस में खुलने वाले हैं। तो ये डिटेल था स्कूल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए। थैंक यू।